मैं शिशुपाल राम तालमिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे पिछले दो वीडियो मैंने आपको टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरे बताया था उदाहरण से। आज का टेंस है वो ले रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो टेंस में दो नंबर जो टेंस का आता है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, सतत, लगातार, अर्थात वर्तमान में कोई कार्य है वो जारी है। तो बच्चों, मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि हर टेंस में हम सर्वप्रथम है वो पढ़ते हैं पहचान। तो इसमें हम यहाँ पढ़ेंगे पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और ये भी बताया था कि इन सभी बातों को बार बार हम देखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए यहाँ पर मैं सुशील थोड़ी इसकी पहचान निकालता हूँ कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या शब्द आता है। हम देख सकते हैं हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है, ये बात हमें समझनी है। यहाँ पर मैं इस समय के या वीडियो के लंबा रहने की स्टेज को यहाँ पर छोड़ता हूँ। तो ये हो गई पहचान। दो नंबर पर आता है नियम। नियम के अंदर पहला है नियम है कर्ता एक वचन। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि कर्ता से एक वचन में क्या क्या आता है। यहाँ पर फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कर्ता एक वचन में ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन का कोई शब्द होगा। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब, कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगा। दूसरा नियम है कर्ता बहुवचन। यदि उस वाक्य का कर्ता बहुवचन है अर्थात दे, यू, वी या प्लुरल नाउन, सिंगुलर नाउन एक वचन आ गया तो प्लुरल नाउन है वो बहुवचन आ गया आदि शब्द है तो हमारी सहायता क्या होगी आर। आर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दो टेंस ऐसे हैं जिसमें आई है वो नए एक वचन में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई है वो नए एक वचन में नए बहुवचन है, बल्कि आई के साथ एक अपनी अलग ही सहक्रिया एम होता है। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें आई के साथ है वो आ जाता है, हालांकि आई है वो बहुवचन
सिंह में माना जाता है होता है, लेकिन बहुवचन में वर आता है लेकिन पाई के साथ में है वो आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह ये बना सकते हैं कि कर्ता आई के साथ एल्टिंग वर्ब में एम आएगा, आई के साथ एम आएगा। अब इसका चौथा नियम है वो होता है कि मुख्य क्रिया जिसको हेड वर्ब होते हैं मुख्य क्रिया में और आईएनजी लगेगा। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता एकवचन में एस या एस कर्ता बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो अब प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है इसके अंदर मुख्य क्रिया में है वो आईएनजी लगेगा। जिस टेंस के अंदर कंटिन्यूस शब्द आता है उस टेंस के पहचान में रहा रही रहे राम रहा आदि शब्द है वो जरूर आएंगे। अब वो प्रेजेंट है तो रहा है रही है रहे हैं रहा हूं आदि शब्द आता है, यदि वो पास्ट है तो रहा था रही थी रहे थे आदि आएगा, और यदि वो फ्यूचर है तो रहा होगा रही होगी रही होगी आदि आएगा। तो टेंस में कंटिन्यूस हिंदी में रहा रही रहे यदि आते हैं तो निश्चित मानिए मुख्य क्रिया में है वो आईएनजी लगता है क्योंकि इस आईएनजी का ही मतलब रहा रही रहे हैं। तो नियम के अंतर्गत है वो ये एक दो तीन चार बातें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट जैसे पहचान हो गई नियम हो गया और उसके बाद में जो अगला जो हम पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं शुद्ध का कि ये पदिन कंटिन्यूस टेंस है उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है सूत्र सूत्र है। तो पहला जो हमारा वाक्य है वो आता है अफर्मेटिव। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, उसके बाद में प्लस अब हमारे पास सही सब्जेक्ट के बाद में है वो सहायक क्रिया का स्थान होता है। अब हमारे पास तीन सहायक क्रिया है नंबर एक इच नंबर दो आठ और नंबर तीन एम। अर्थात यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो इज लगेगा, कर्ता बहुवचन है तो आर लगेगा, और यदि हमारा कर्ता आई है तो उसके साथ एम लगा देंगे। प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा उसके बाद में और ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। यदि कोई प्रीपोजिशन आता है तो मुख्य क्रिया के बाद और कर्म से पहले हम लगा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा सूत्र आता है वो आता है नेगेटिव। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब प्रसारण वाक्य का हम नकारात्मक पति में बदलते हैं या नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सहायक क्रिया के साथ नोट लगा देते हैं। तो यहाँ पर दिया हमने सब्जेक्ट प्लस इज नॉट ऑब्लिक आर नॉट ऑब्लिक एम नॉट। तो कर्ता एक वचन है तो इज नॉट आ जाएगा, बहुवचन है तो आर नॉट आ जाएगा, और यदि आई है हमारा कर्ता तो एम नॉट आ जाएगा। उसके बाद वही बात वर्ब में आईएनजी या बी का मतलब है वर्ब से मांगना है और प्लस ऑब्जेक्ट अन्य कोई शब्द है तो अंत में आ जाएगा। तीसरा जो हमारा सूत्र आता है वो आता है इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनता है। इस टेंस में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर। तो जब हम वाक्य को अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं तो हमारा वाक्य है वो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है वो बन जाता है। तो यहां पर यदि हम वाक्य को इज आर एम से शुरू कर देते हैं तो यह हमारा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा, लेकिन इज एम आर है वो आएगा कर्ता के अनुसार। कर्ता का यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक वचन है तो उस वाक्य में इज चल रहा है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, इज नॉट आ जाएगा तो यहाँ पर इज से उस वाक्य को शुरू कर देंगे। उसके बाद में हम लेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में
ऐसा होता है एक्टिव वर्ब का, लेकिन एक्टिव वर्ब पहले आ गए प्रश्न वाचेंगे तो उसके बाद में आता है वर्ब का स्थान, और वर्ब में लगा दिया हमने आईएनजी, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, अन्य कोई चीज है तो अंत में प्रश्न वाचेंगे। अब जो चौथा वर्ड आता है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव था प्रश्नवाचक में, और आप में क्या करते हैं प्रश्नवाचक है तो पहले हम लेंगे इच, आर या एन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अन्य कोई वर्ड है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हुआ हमारा चार प्रकार के सूत्र, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। एक बार एक सूत्र अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में अगला टेंस या दूसरा टेंस का सूत्र है वो आराम से समझ पाएगा, क्यों कि हिंदी से अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो फिक्स स्थान होता है, सर्वप्रथम कर्ता सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ये स्थान होता है। हाँ, मान लो किसी प्री क्वेश्चन आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुकरण से पहले और मुख्य क्रिया के बाद लगता है, तो किसी टेंस में सही क्रिया है वो जैसे पदे में नूडल्स है कुछ मिल जाए मारे तो अगले वाले टेंस में है वो है जी हैव वगैरह जी अर्थात ये बदलती रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या पर याद लिख देते हैं तो ये और ज्यादा बदल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब शब्द देखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो छिपी रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली नहीं लिख करके कुछ टेंस की जो सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है उनको ही हमने लिख दिया। तो ये इजी हो गया जो करता और करता के बाद में इजी है हमारी सही क्रिया है, पर जब कंटिन्यूअस टेंस की उसके बाद में बदल गया ये जी उसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये थे हमारे तीन प्रकार के सॉरी चार प्रकार के सूत्र। तो ये तीन प्रकार के अगर आप वाक्य चित्र की चाहते हैं तो ये जो चौथा प्रकार का वाक्य है वो तो अपने आप बन जाएगा। देखो यहाँ पर इज एन आर में से इज आर एन दे दिया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, तो इसमें यहाँ पर मुख्य क्रिया में आई एन जी आया है, लेकिन यहाँ इसमें क्या दे दिया इससे पहले नोट ले लिया, और बाकी फिर वर्ब में आई एन जी आ गया ऑब्जेक्ट हो जाए और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्पीकिंग में अंतर है कि इसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं है, इसमें कर्ता के बाद में हमें हमने नोट का प्रयोग किया तो ये नकारात्मक वाक्य बन गया। तो नंबर एक पहचान, नंबर दो नियम, नंबर तीन सूत्र। अब इनके जो तीन वाक्य हैं तीन प्रकार के तीन वाक्य कैसे हुए, कर्ता एकवचन, कर्ता बहुवचन और कर्ता आई, इनके मैं आपको एक एक उदाहरण देते दे और हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर और एक एग्जाम्पल हमारे पास एक वाक्य है ऐसा जो है वो छठी सातवीं आठवीं तक का चल रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियो के ये जो शुरुआती जो टेंस हैं उन्हें थोड़ा इजी वे में समझा रहा हूँ और ऐसे वाक्य दे रहा हूँ जिसको आपके थोड़े बहुत हिंदी में अंग्रेजी बनाने का अर्थात मीनिंग आपको आता है, जैसे दिया है हर वर्ब लेकर के और थोड़ी इजी वर्ब दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक वाक्य आ गया कि वह खेत जा रहा है, ये हमारे हिंदी में वाक्य है। अब हमें सर्वप्रथम ये देखना है इस वाक्य का कर्ता कौन है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, इस वाक्य का करण क्या है। तो इस वाक्य का जो ही है अर्थात वैकल्पिक क्रिया ही होती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में जा रहा अर्थात जाना है वो क्या है, वो वर्ब है, जाना वर्ब हमारी जाना है, लेकिन ये जा रहा है का बन जाएगा, इसके अंदर हम आईएनजी लगा दें तब इसका अर्थ रहा में निकलेगा, और करण है वो हमारा यानी ऑब्जेक्ट है वो हमारा है खेत। तो अब सूत्र के अनुसार सूत्र कहता है कि सब्जेक्ट जो तो सब्जेक्ट है ही ही के लिए जो होती है ही, दो नंबर पहले कर्ता प्लस सहायक, अब हमारे पास तीन सहायक हैं इज है एम है आर है। अब
कर्ता प्लस इजाबार तीनों में से दे दिया सेकंडरी ही एक उसके के साथ ही थे, तो उसके बाद स्थान है वर्ब का, वर्ब है हमारे जाना, और जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, लेकिन एथेंस कहता है कि मेरी सेकंडरी मेरी मुख्य क्रिया के अंदर आईएनजी लगाओ, तो इसमें हमने लगा दिया आईएनजी। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब ये वह कहां जा रहा है कि खेत जा रहा है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कहीं जाने का कार्य होता है तो प्रीपोजिशन है वो टू आता है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे प्रीपोजिशन टू और उसके बाद में आ जाएगा फील्ड एफ आई ई एल डी। तो ही इज गोइंग टू फील्ड, वह खेत जा रहा है। अब इसका नकारात्मक बनाते हैं, ये कौन सा है, ये अफर्मेटिव वाक्य है, इसका नेगेटिव हम वाक्य बनाते हैं, तो इसमें नेगेटिव में क्या आता है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, उसके बाद में बहुत इजी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये दिया, अब उसके बाद में देखो आप सूत्र के अंदर बच्चों कि ही कर्ता के बाद में इज नॉट एंड नॉट आर नॉट वाला लिखा हुआ है सूत्र के अंदर, तो यहाँ पर इज आ गया, इज के साथ वाला नॉट वाला सही नॉट वाली सेकंड एंड लिए, तो ये गया इज नॉट, तो ही इज नॉट गोइंग टू फिल्म, अर्थात ये हमारा कर्ता है, कर्ता के बाद इज नॉट एम नॉट आर नी सी आर नॉट नी सी हमने इज नॉट ले लिया, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दिया, फिर परिभाषित हुआ गया, उसके बाद में हमारा कर्म हो गया। इसी प्रकार की इसका हमारा वाक्य है वह इंट्रोगेटिव प्रश्न वाचक, बताया था आपको कि अगर वाक्य में जो साइकिल है उससे अगर वाक्य हम शुरू कर देते हैं तो वाक्य प्रश्न वाचक बन जाता है, तो हमारी साइकिल चल रही है इज, तो यहाँ पर हमने इसी वाक्य को शुरू कर दिया, वैसे सूत्र भी कह रहे हैं कि इज एमआर से वाक्य शुरू करो, तो यहाँ पर हमारे पास इज एमआर नहीं है, ये इज है तो इज ले लिया, फिर सूत्र कहता है कि सब्जेक्ट लो, तो इज ले लिया ही, उसके बाद में मुख्य क्रिया में आईएनजी अर्थात वर्ब, तो एंडिंग वर्ब इज एमआर में से इज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी आ गया, फिर परिपोषण में हुआ गया, और उसके बाद में फिर यानी कर्म आ गया। अब इस प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह लगा। चौथा जो वाक्य आता है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आता है, शायद ये सही वाक्य को शुरू करो, यही सूत्र में दिखा रखा है इज एम आर से शुरू करो, उसके बाद में करता लो ले लिया, उसके बाद में नोट लगाओ लगा दिया, तो इज ही नोट और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा दियो, तो इज ही नॉट गोइंग टू फिर एफ आई एन डी प्रश्न वाचक चिन्ह, He is going to field वह खेत जा रहा है, He is not going to field वह खेत नहीं जा रहा है, Is he going to field क्या वह खेत जा रहा है, तो Is he not going to field क्या वह खेत नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक वचन का है He is his name, इन सभी कर्ताओं के को आपको सिर्फ एक ही से उदाहरण से समझना है, अब यहाँ पर कर्ता चाहे she हो, he हो, चाहे it हो, या यहाँ पर चाहे सिंगलर नाउन का कोई हो, जैसे टेलर है, फार्मर है, माताजी है, पिताजी है, टीचर है, छात्र है, छात्रा है आदि, या किसी का नाम अर्थात राम सीता वगैरह आदि, तो ये थे हमारे एक वचन के। अब हम यहाँ पर बहुवचन का वाक्य बनाते हैं, एक वाक्य हम बहुवचन बनाते हैं और एक हम एन वाला और क्या है, क्या खरीद रहे हैं,
वेद। अब ये दे है वो एक वचन है या बहुवचन है, तो इतना आप समझ गए हैं, ये लिखाया हुआ है कि इट शी इट मैन एक वचन में आता है, दे यू भी है वो बहुवचन में, तो ये हमारा जो दे करता है वो है बहुवचन, तो बहुवचनी साथ हमारी सही क्रिया आ जाएगी आर। दे आ गया, एक सही क्रिया आ गई अमूर्त क्रिया खरीदना, तो खरीदने पर जैसे बी यू वाई वाई। अब मुख्य क्रिया में टेंस का जो सूत्र कहता है कि मुख्य क्रिया में आई एन जी लगाना है, तो इसमें लगा दिया हमने आई एन जी वाई। दे आर वाई वे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, पुस्तक खरीद रहे हैं, तो हमारा कर्म है वो क्या है, बुक पुस्तक है, यहां पर आ गया। वे बाजार से पुस्तकें खरीद रहे हैं, अगर मानो थोड़ा ऐसा होता तो दे आर बाई बुक से या बुक है फ्रॉम मार्केट, जैसे बाकी जितना हम इसको लंबा कर सकते उतना हो सकता है, लेकिन सूरत तौर से और आपके अस्त्र के हिसाब से मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझाता हूं। दूसरा आता है नेगेटिव। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है, कि किसी भी टेंस की जो शायद क्रिया है उसके साथ जब हम नोट लगा देते हैं तो वो वाक्य है नकारात्मक बन जाता है। तो हमारे पास सही क्रिया क्या समझ रही है, आर, इस आर के साथ में हमने लगा दिया नोट, तो ये हमारा वाक्य हो गया नकारात्मक, क्यों, सही क्रिया साथ हो रहा है। फिर वही बात मुख्य क्रिया में, और हमने लगा दिया आई एन जी, और यहाँ पर लिख दिया हमने बुक। बाई मिस खरीदना होता है, एक परचेज मिस भी क्या होता है, खरीदना होता है। अब तीसरा था इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक, वाक्य प्रश्नवाचक कब बन जाता है, कि जब हम वाक्य को शुरू सही क्रिया से शुरू कर देते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ सही क्रिया क्या चल रही है, आर चल रहा है, तो इस आर से हम वाक्य को शुरू करेंगे, इसका मतलब सही क्रिया से वाक्य शुरू हो गया, तो आर को उसमें पहले निकालेंगे, फिर सूत्र के अनुसार सही क्रिया की जय मान्य से आ जाएगा, फिर कहते हैं करता लो, तो हमारा कर्ता क्या चल रहा है, दे आर दे, और उसके बाद में मुख्य क्रिया buying, they are buying book। अब प्रश्नवाचक कहता हूं, मैं प्रश्नवाचक वैसे सूत्र में भी लिखा रहता है। अब तीसरा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आया, तो वही बात, इंट्रोगेटिव है तो सही क्रिया से शुरू कर दिया, नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, तो शुरुआत में आर नोट लग करके, जैसे यहां पर आर नोट किया है तो कर्ता को बीच में रखते हैं, तो सर्वप्रथम यहां पर ले देते हैं आर, और उसके बाद दे के बाद में नोट, आर दे नोट, और यहाँ पर आदि दिया हमने बाई बुक। अन्य प्रश्न हमारे पास है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो ये हुआ एक एक चार, यानी प्रत्येक कंटिन्यूस के बहुवचन के वाक्य। तो वे दे आर बाई बुक्स, बुक ये पुस्तक खरीद रहे हैं, दे आर नोट बाई बुक, वे पुस्तकें नहीं खरीद रहे हैं, आर दे बाई बुक, क्या वे पुस्तक खरीद रहे हैं, आर दे नोट बाई बुक, क्या वे पुस्तकें नहीं खरीद रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में एच एम आर जो तीन सही क्रिया थी, तीन प्रकार की करता था, थे उन दो पर हमने उदाहरण पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरे वाक्य, तीसरी जो हमारी सही क्रिया है एन, हम उस एन के ऊपर वाक्य पढ़ते हैं। अब हम ऐसा वाक्य लेते हैं जिसका कर्ता में अंग में हूं वगैरह आता है, जैसे यहां पर हमने एक वाक्य ले लिया मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये हमारा हिंदी में वाक्य है। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है, मैं, ये हमारा वा सब्जेक्ट, इसके मुख्य क्रिया है वो है खाना यानी कि, तो ये है वर्ब, और कर्म क्या है खाना यानी भोजन, तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब सर्वप्रथम सूत्र के अनुसार कर्ता लेते करता है मैं और मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब आई के साथ अपने अलग से शायद ही है एन, क्योंकि आई लय तो एक पर्सन है, मैं आई बहुवचन है, तो अब ये देखना नहीं है कि मैं आई के साथ में क्या लगाऊं, तो आई
एंड तो खाना यानी ईट, आई एन ईट, ईट उच्च क्रिया होगी, उच्च क्रिया में लगाना आई एन ईट, तो ये हो गया ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, मैं भोजन खा रहा हूं। दूसरा वाक्य है नेगेटिव अर्थात नकारात्मक है। हमें पता है कि वाक्य नकारात्मक कब बनता है, जब किसी सही क्रिया के साथ नोट लगा देते तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है। यहां पर हमारे पास सही क्रिया है एम, तो आई एम, आई एम नॉट ईटिंग आर फूड। अब तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कब बन जाता है, जब हम सही क्रिया से वाक्य शुरू कर देते हैं। हमारी सही क्रिया है एम, तो एम आई एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो इसे हमारे में सेम ले लिया, फिर कर्ता ले लिया, फिर मुझे भी एमआई लगा दिया और उसके बाद में कर लिया। अब तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लेना है, इंट्रोगेटिव है तो सही क्रिया से शुरू करेंगे, सही क्रिया हमारी एन, उसके बाद में कर्ता लेंगे, कर्ता है आई, और उसके बाद में हम लगा देंगे यहाँ पर नोट, एम आई नोट, और मुख्य क्रिया में आई एन जी ईटिंग, और यहाँ पर आ गया हमारा कर्म है वो फोन में प्रश्नवाचक चिन्ह। आई एम ईटिंग फूड, में भोजन खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, में भोजन नहीं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं भोजन खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं भोजन नहीं खा रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिटी में तीन सही क्रिया होती है, और तीनों सही क्रियाओं पर मैंने आपको एक एक उदाहरण है वो बता दिए। अब इसमें एक नई बात आती है, थोड़ा उसको आप मैं समझा देता हूँ कि जहां पर कंटिन्यूस टेंस आता है तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम मुख्य क्रिया में आई एन जी लगाते हैं, तो यहां पर आई एन जी लगाने के कुछ नियम हैं, उनमें से मैं आपको वो नियम बताऊंगा जिसे आई एन जी वर्ब में आई एन जी लगाने संबंधी और आपकी त्रुटि है वो न रहे, कि जब हम इसी में आई एन जी लगाते हैं तो उस आई एन जी लगाने का तरीका क्या है। तो आज मैं इसमें सिर्फ आपको दो या तीन तरीके बताऊंगा। पहला क्या तरीका है, नियम है, नियम नंबर एक किसका है कि वर्ब में आई एन जी लगाने के नियम, वर्ब में आई एन जी लगाने के नियम मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर लिखा दूंगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहला नियम क्या है कि यदि वर्ब का यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले, यदि अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल अर्थात स्वर हो, एक स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को अंतिम अक्षर को डबल कर दो। क्या नियम है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक शब्द है स्वीम, अब इसका अंतिम अक्षर है एम, और उस एम से पहले क्या है आई, तो अंतिम अक्षर से पहले कितने वोवेल हुए, एक वो
हुआ फिर डब्ल्यू आ गया। अब इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो हमारा नियम क्या था कि अंतिम अक्षर है उसको हम क्या कर देंगे, डबल करेंगे, तो ये बन जाएगा स्पेन। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमारा एक बिगिन शब्द भी है जैसे BEGIN। अब इसका अंतिम अक्षर कहेंगे एन से पहले एक वोवेल है, तो वही ऊपर वाली बात है, उसके अंदर अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या शब्द बनेगा, BEGINNING ये हो गया। इसी प्रकार कट है, कुट है, ये जो शब्द है जैसे CUT कट है, PUT फुट है, इसके अंदर अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वही बात है CUT कट, CUT कट अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल है, तो अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पर फुट है तो PU डबल T आईएनजी लगाते हैं, उसको फुटिंग करते हैं। तो ये था आईएनजी लगाने का एक पहला नियम। अब इस नियम से आपके बहुत सारी जो स्पेलिंग संबंधित त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएगी। वर्ब भरने आती है आप टेंस का अच्छी तरीके से पहचान कर ले, नियम आपके याद है, लेकिन अगर आप ये आईएनजी लगाते समय अगर आपकी नियम याद नहीं है तो आपका जो नियम है, आपकी जो पहचान है वो पूरी पूरी है, वो अधूरी रह जाएगी। क्यों कि मान लो करता है दूसरे हिसाब से आपने इज भी लगा दिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लगा दिया, लेकिन अगर आपने इस क्रिया नियम के अकॉर्डिंग अगर आपने आईएनजी नहीं लगाया है तो आपकी वर्ब वो गलत हो सकती है। तो ये था आईएनजी लगाने का नियम। तो एक पहला नियम है, किस प्रकार से ये तीन चार नियम और भी हैं। तो आज इस वीडियो में आप सभी बच्चों को मैं प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में, उसकी पहचान, उसके नियम, उसके सूत्र और तीन प्रकार के वाक्य वो समझाएंगे बोर्ड पे, और नीचे आईएनजी लगाने का एक नियम है वो भी मैंने आपको बताया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आईएनजी के दो चार पांच नियम और हैं वो बताऊंगा। एक साथ बताने से बच्चों थोड़ा वीडियो क्या लंबा हो जाएगा, उसमें आज भी थोड़े बोर हो जाएंगे देखते देखते, और अन्य भी तो अध्यापकों जो वीडियो है वो भी आप देखें। तो मेरे वीडियो को आप अच्छे तरीके से सुनना, देखना, समझना और उसके बाद में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उसको अलग लिख करके बोलूंगा। धन्यवाद।